देखिए, सेकंड सीटिंग का दो जो सब सेट था ना वो अपलोड हो चुका था, जी और ई। तो मेरे पास एक और सेट है और ये शायद आज का लास्ट सेट होगा, एफ। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आपको ऑब्जेक्टिव का मिला देते हैं, तो आप लोग मिला लीजिए और बताइए कि कमेंट में आपका कितना सही हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर एक से। देखिए, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य में घोलने पर टिंक्चर आयोडीन बनता है? तो होगा डी नंबर, एथीन एल्कोहल। डांडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो ये होगा संतृप्त, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं हम लोग तीन में, चलते हैं ना। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं हम लोग कहाँ, चार में। देखिए इथिलीन है, तो इथिलीन देखिए हमारा है क्या, पहला नंबर ए, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या पाँच में, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन बायोगैस है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो हमारा पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, उत्तर ये नहीं है, ठीक है ना। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो देखिए टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि और बिजली तीनों था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। फिर आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या सात में, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो देखिए कहाँ पे थे हम लोग, 12 में थे शायद ना, ओजोन के, तो इसका हो जाएगा 3। फिर हम लोग चलते हैं 13 में। देखिए थोड़ा फास्ट में करते हैं क्योंकि दो सेट तो पहले अपलोड हो चुका है ना, इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट 13 का। 14 में देखिए हम लोग देखते हैं परिशेषिका है, तो ये हो जाएगा आहार नान का हिस्सा, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर पर होता है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा निम्नीकरण पदार्थ है, घास पुष्प तथा चमड़ा। फिर हम लोग चलेंगे 17 में, देखिए किसी विद्युत, तो इसका हो जाएगा 25 वॉट। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, इसमें, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समांतर होती है। फिर आगे चलिए देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। आगे जब, तो इसमें विद्युत धारा हमेशा नियत रहता है यानी नहीं परिवर्तित होता है। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा एक पारदर्शी, इसको देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर लेंस की बात ही। फिर हम लोग चलेंगे आगे, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला तथा पेट्रोलियम। फिर देखिए उत्तम ऊर्जा का स्रोत हुआ है जिसमें ये सभी गुण हो। फिर देखिए ईंधन है, तो ईंधन हमारा क्या है, सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है देखिए पेट्रोलियम और कोयला, दोनों ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे अब हम लोग चलेंगे 27 में, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है एसिडिक अम्लीय, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। आगे देखिए शल्य चिकित्सा में हमेशा जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर में उपयोग होता है, किसका विलयन का सबसे अधिक मान होगा यानी अम्लीय होगा, एक मिनट रुकिए ये, ठीक है ना। तो देखिए अम्लीय मान किसका होगा, तो एक का सबसे अधिक होगा, जितना ज़्यादा छोटा उतना अधिक अम्लीय, ठीक है ना। इसका हो जाएगा हमारा आंसर 3, 31 का। 32 में क्यूप्राइट जो है ये कॉपर का अयस्क है, ठीक है ना। 33 में लेटेक्स कहाँ पाया जाता है, इनमें से सभी। फिर हम लोग चलते हैं, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है 2%। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय नहीं गर्भाशय में, सॉरी, ठीक है ना, कहाँ होता है, गर्भाशय में। निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है, अवतन लेंस। आगे देखिए चलते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ये जूल पता नहीं कौन मारा है, इसका 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ प्रकाश की न्यूनतम चाल कांच में होगी, डी नंबर। फिर हम लोग चलेंगे 40 में, किसका धनात्मक होता है, उत्तन लेंस का। फिर 41 में चलते हैं, तो देखिए हार्मोन को कहते हैं रासायनिक दूत। फिर चलते हैं 42 में, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो देखिए रेजिन भी है, गोंद भी है, टेनिन भी है, तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप बताइए, ठीक है ना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में। फिर आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 49 में, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को काला दिखेगा आकाश जब वो अंतरिक्ष से देखेगा तो। फिर देखिए गोलीय दर्पण का प्रावर्तक विशिष्ट का ये होता है गोलीय दर्पण का द्वारक, किसी दर्पण में दूरी के अवस्था क्या होता है, केवल उत्तन, अवतन दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक, उत्तन दर्पण का धनात्मक। अब देखिए यह क्या छोटा प्रतिबिंब उत्तन लेंस में, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है हरा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं तारों का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है इन सभी के लिए, इनमें से सभी, ट्रेकिया किसका है, श्वसन अंग कॉकरोच का, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं 59 के बाद 60 में, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन, ऑप्शन नंबर सी, पूर्णता विकास यानी फल में होता है, ठीक है ना, भ्रूण का। फिर आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 62 में, एक स्त्री में एक्स एक्स होता है और एक पुरुष में एक्स वाई, ठीक है ना। मृतोजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहरी, ठीक है ना। फिर चलते हैं हम लोग कहाँ, एक मिनट, 65 में चलते हैं, विच वॉल ऑफ गार्ड सेनिस्थिक, यह हो गया कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, पारा, सॉरी वो धातु है ना ब्रोमीन, धातु होगा तब वो पारा। निम्नलिखित में इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, आवर्त श्रेणी में कितनी होती है, 7। फिर आगे चलेंगे पेंटेन के कितने समय अवयव होते हैं, 3। दही में कौन सा अम्ल है, तो देखिए दही में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कौन किस धातु को करोसिन में डुबा कर रखते हैं, सोडियम को। 71 में इसमें कौन सा गैस बनता है, तो मेथेन बनता है, ठीक है ना। अब चलते हैं 72 वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो ये हो जाएगा सोना यानी AU। फिर आगे चलेंगे देखिए 73 में, विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट। फिर चलते हैं 74 में, बैटरी का अम्ल है हमारा सांद्र H2SO4। फिर चलिएगा 75 में, तो कनी चूना CaO। फिर आयोडीन युक्त नमक है इनमें से सभी, सॉरी मतलब ए और बी दोनों। फिर आगे चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। लॉन्ग टेन क्या है, तो इसका प्राकृतिक, ठीक है ना। आगे चलते हैं देखिए हम लोग कहाँ, प्रश्न संख्या 79 में, ब्यूटेन है घरेलू गैस LPG का मुख्यतः। फिर देखिए 80 में देखिए C60 फ्लोरिन का हो जाएगा फुटबॉल। तो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने देखिए कौन कौन सा सेट देखा, GE और एक हमारा ये जो सेट अभी था, ये कौन सा है, ये सेट है हमारा F, यानी हमने अभी तक E, F और G, यानी इन तीन सेटों को देख लिया। तो आप इन तीनों में से किसी में भी से मिला सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।